जनपद मुजफ्फरनगर के स्थानीय विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी में आचार्य अभिभावक एसोसिएशन गठन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री अनिल कुमार पोस्टमास्टर सिटी पोस्ट ऑफिस मुजफ्फरनगर ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया। विद्यालय की प्रबंध समिति के संरक्षण श्री श्यामलाल जी बंसल जी, अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी, टंडन श्री उमेश कुमार गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष पूर्व छात्र परिषद एवं श्रीमती सीमा जी, सहायक सिटी पोस्ट ऑफिस ने पुष्पार्चन किया। श्रीमान प्रधानाचार्य श्री सुनील कुमार शर्मा जी ने एसोसिएशन की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अभिभावक बंधु सजगता के साथ अपने पाल्य की शिक्षा एवं उसके व्यवहार आदि को आचार्य के सहयोग से सुनिश्चित करने का प्रबंध करें। पाल्य की शिक्षा के अभिभावक एवं आचार्य दो घटक हैं। दोनों के सहयोग से ही पाल्य शिक्षावान एवं संस्कारवान बनता है। अभिभावकों के सहयोग एवं प्रतिबंध समिति के सम्मानित उपस्थित महानुभावों के विचारानुसार एसोसिएशन का गठन किया गया। आज अपने विद्यालय में हमारी अभिभावक आचार्य एसोसिएशन का गठन किया गया है, जो विनियम के अंतर्गत होता है, जिसमें हम सभी अभिभावकों के प्रतिनिधियों के रूप में एक एसोसिएशन गठित करते हैं, जिसमें आचार्य भी रहते हैं और अभिभावक भी रहते हैं। इनका प्रमुख उत्तरदायित्व होता है कि विद्यालय में जो भी वातावरण है वो बच्चों के अनुकूल बने, जिससे कि वो अपना अधिक बौद्धिक क्षमताओं के साथ में अपने व्यक्तित्व का अच्छे से अच्छा विकास कर सकें। इसके लिए अभिभावक आचार्य एसोसिएशन अभिभावकों की मदद से अपने संसाधनों को जुटाने के लिए और साथ ही साथ यदि कभी भी हमें किसी भी प्रकार से अपने आचार्य स्टाफ में कोई इस तरह का लग रहा है कि हमें बच्चों को और अधिक देने के लिए किसी अन्य किसी संसाधन को जुटाना है, तो उसका सहयोग भी हमें अभिभावकों के रूप में अभिभावकों से वो मिल जाता है, इसलिए उस एसोसिएशन का सफलतापूर्वक गठन किया गया। इसके अलावा हमारे विद्यालय में जैसे कि माननीय प्रबंध समिति ने COVID-19 के लिए अपने कक्षा प्ले से लेकर पंचम तक के नवीन प्रवेश वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए एक सूचना दी थी, तो उसके अंतर्गत अपने इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें अपनी समिति के द्वारा वितरित की गई हैं। तीसरे कार्यक्रम के रूप में छात्र संसद, हम लोग लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपने छात्रों तक ले जाते हैं और उनमें बोध नेतृत्व का बोध कराने के लिए और उनमें दायित्वों का बोध कराने के लिए हम लोग उनमें उसी तरह से जिस प्रकार से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वैसे छात्र संसद का गठन करते हैं। आज उनके पदाधिकारियों का भी शपथ ग्रहण समारोह कराया गया और उसमें हमारी माननीय प्रबंध समिति और जो हमारे चयनित अभिभावक आचार्य एसोसिएशन के पदाधिकारी थे उन्होंने हमारे पदाधिकारियों को, जिसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सेनापति, उप सेनापति और न्यायाधीश के पदों पर आज शपथ ग्रहण कराया गया।